नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, आपको पता होगा कि मार्च के महीने में भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। बनारस के एक होटल में तथाकथित तौर पर फंदे से लटककर वो अपनी जान दे दी और इस मामले में भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह जो है वो आरोपी थे और इस मामले में लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, सलाखों के पीछे भेजा। कुछ महीने जेल में रहने के बाद समर सिंह और संजय सिंह अब जेल से बाहर हो चुके हैं। लेकिन में एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा, मालती चौहान जो एक यूट्यूबर हैं और उनके देसी अंदाज के वीडियोस को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उनके मिलियंस ऑफ मिलियंस में फॉलोअर भी हैं, तो मालती चौहान ने भी आत्महत्या कर लिया है। मालती चौहान जो है वो आत्महत्या कर ली है और कल से जो है इनकी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और जो भी मालती चौहान को चाहते हैं, जानते हैं, उनके फैंस इस मामले को, इस खबर को सुनकर सन रह गए हैं। तो अब मालती चौहान के मामले में आकांक्षा दुबे का कनेक्शन सामने आ गया है। पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बात करें तो आपको पता होगा कि मालती चौहान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हैं और उनके पति विष्णु राज हैं जो कि मिल के काम करते थे और मिलियंस ऑफ मिलियंस में सब्सक्राइबर और उनके एक बेटे हैं। लेकिन माना यह जा रहा था कि मालती चौहान को किसी और लड़के से प्यार हो गया था, अर्जुन नाम के शख्स से प्यार हो गया था और अर्जुन से बात करती थी, फिजिकल रिलेशंस भी था। और फिर जब ये पूरा का पूरा मामला चला तो विष्णु राज ने अर्जुन से शादी करा दी। शादी कराने के बाद कुछ ही दिन हुए थे, अभी 8-10 दिन हुआ था, तो खबर कल निकल कर सामने आई कि भाई जो मालती चौहान है वो इस दुनिया को अलविदा कह दी। इस कड़ी में आकांक्षा दुबे के ऑफिशियल फेस इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट आया है जिसमें ऊपर लगा हुआ है फोटो मालती चौहान का, नीचे आकांक्षा दुबे का और लिखा हुआ है कि आज एक और बेटी हुई दरिंदों का शिकार, मालती चौहान को श्रद्धांजलि। मशहूर यूट्यूबर और कलाकार मालती चौहान को भी वैसे ही मार डाला गया जैसे आकांक्षा के साथ किया गया था। आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में यह कब तक चलता रहेगा? आकांक्षा का कातिल जेल से बाहर आता है तो उसका स्वागत किया जा रहा है, तो ये कैसे रुकेगा? आप लोग ये बताओ, जब तक इन दरिंदों को फांसी नहीं होती है ये रुकने वाला नहीं है। आप लोग विचार करें, मधु दुबे यानी कि उनकी माँ आकांक्षा दुबे फैन, तो ये कनेक्शन सामने आया है। बाकी मालती दुबे को, मालती चौहान को मारने में क्या किसी का हाथ है, आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।